गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित हो रहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन के तीसरे दिन बिस्मिल के बलिदान स्थली मंडली कार्यागार पर 19 दिसंबर को आमंत्रण देने के दृष्टिगत जन जागरण दोपहिया वाहन जुलूस द्वारा चेतना तिराहे से निकाला गया, जो कि महानगर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हुए चेतना तिराहा कचहरी चौक, शास्त्री चौक, बेतियाहाता, भगत सिंह चौक, विवेकानंद मूर्ति, छाछ संघ चौराहा, पैडलेगंज होते हुए सिविल लाइन्स स्थित बिस्मिल पार्क पर जाकर सम्पन्न हुआ। इस संबंध में कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार की सुबह 6:30 बजे बिस्मिल की फांसी के वक्त पर हम सभी सामूहिक शंखनाद करने मंडली जेल पर पहुँचेंगे। आरती और फांसी के समय बलिदान स्थल पर रामेश्वरम से विशेष रूप से लाई गई बहुत बड़ी शंख है, जो जिसकी नाद पूरे जेल परिसर में गूंजेगी। इस दौरान मोटरसाइकिल जुलूस में प्रमुख रूप से एडवोकेट हरि नारायण धर दुबे, अखिलेश त्रिपाठी, मदन किशोर त्रिपाठी, अभिषेक सिंह प्रधान, आशीष राज पांडे, प्रेमनाथ सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन समिति के कार्यक्रम संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा, राम त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव आयोजन समिति। कल 19 दिसंबर है और कल ही के दिन 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था और तब से ये शहर, ये पूर्वांचल उनके बलिदान को बड़ी शिद्दत से याद करता है। और कल हम सभी प्रातः 6:30 बजे सामूहिक रूप से शंखनाद करने के लिए और भारत माता की आरती उतारने के लिए और अपने इस वीर बलिदानी को शिद्दत से शीश नवाने के लिए कल हम पूरे शहरवासियों को आमंत्रित करने के लिए ये दोपहिया वाहन जुलूस निकाल रहे हैं और हम सभी इस उद्घोष के साथ ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले, सबको आमंत्रित करने के लिए ये दोपहिया वाहन जुलूस निकाला गया है।